पूरा देश आज इंडियन एयरफोर्स के फ्लाई पास्ट का बनेगा गवाह। वायुसेना के विमान श्रीनगर से तिरुवनंतपुरम और डिब्रूगढ़ के से कच्छ तक भरेंगे उड़ान। एयरफोर्स और नेवी के हेलीकॉप्टर कोरोना का इलाज कर रहे अस्पतालों के ऊपर से गुजरेंगे और कोरोना वॉरियर्स कर सकेंगे पुष्प वर्षा। देश में कोरोना की रफ्तार में आई तेजी, 38,000 के पार पहुंची कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। 1,225 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत, अब तक 10,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं ठीक। सरकार कोरोना की टेस्टिंग को बढ़ाने पर दे रही है जोर, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज। भारत में कोरोना के स्वरूप पर अध्ययन करेगा ICMR। समय के साथ वायरस के घातक होने और संक्रमण क्षमता बढ़ाने की मिलेगी जानकारी। COVID-19 मरीजों के लिए जाएंगे सैंपल। महिला जनधन खाता धारकों के लिए खुशखबरी, कल से मिलने लगेगी 500 रुपए की दूसरी किश्त। मौजूदा हालात के चलते 3 महीने तक पैसे भेजेगी सरकार, लोगों को राशन उपलब्ध कराने की कोशिशें भी हुई तेज। सरकार दूसरे राहत पैकेज पर कर रही है विचार, जल्द ही दूसरे राहत पैकेज की भी हो सकती है घोषणा। मजदूरों को घर भेजने के फैसले पर केंद्र सरकार का बयान, सिर्फ केरल के लिए ही 300 से 400 ट्रेनों की पड़ेगी जरूरत। मजदूरों को घर पहुंचाने में लंबा वक्त लगने की जताई आशंका, केंद्र सरकार ने शुरू की है स्पेशल ट्रेन। राज्य सरकार की सिफारिश पर चलाई जा रही है मजदूर स्पेशल ट्रेन। मध्य प्रदेश के ग्रीन जोन वाले क्षेत्र में आज से शुरू होगी राहत। ग्रीन जोन वाले अधिकांश शहरों में खुलेंगे बाजार, कपड़ा और जनरल स्टोर की दुकानों को खोलने की छूट, सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन, एक ऑर्डर पर भोजन का पार्सल आएगा आपके घर। बिहार में 55 से ज्यादा आयु वाले पुलिसकर्मियों की नहीं लगेगी फील्ड ड्यूटी, स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी मई तक रद्द। पुलिस मुख्यालय और स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश, उम्र के साथ लोगों में इम्यूनिटी घटने का रहता है खतरा, ज्यादा उम्र के लोगों पर कोरोना का असर होता है घातक। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन आज, कई जगहों पर लगाया जाएगा रक्तदान शिविर, सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर रखा जाएगा ख्याल, कोरोना के चलते पूरी सादगी से जन्मदिन मनाएंगे अशोक गहलोत। दूरदर्शन पर रामायण के बाद आज से शुरू होगा श्री कृष्ण का प्रसारण, चैनल ने ट्वीट कर दी जानकारी, रात 9 बजे से भगवान कृष्ण की लीलाएं देख सकेंगे लोग। लॉकडाउन में दूरदर्शन अपने पुराने लोकप्रिय कार्यक्रमों का फिर से कर रहा है प्रसारण, रामायण दर्शकों की संख्या के मामले में बना चुका है वर्ल्ड रिकॉर्ड। आज होगा देश का सबसे बड़ा लाइव वर्चुअल कॉन्सर्ट, कोरोना पीड़ितों के लिए फंड जुटाएंगे 85 से ज्यादा देशी विदेशी सेलेब्स। शाम 7:30 बजे फेसबुक पर लाइव होगा आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट, देश दुनिया के मशहूर कलाकार लेंगे हिस्सा।